बालाघाट में सहायक वन संरक्षक प्रशिक्षण पदभार संभालने के लिए अफसर बालाघाट साइकिल से पहुंचे, जिन्होंने छिंदवाड़ा से सिवनी होते हुए बालाघाट तक कुल 3 जिलों की सीमा पार कर 170 किलोमीटर का सफर तय किया। लोगों को पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य शरीर का संदेश देने के लिए अफसर के द्वारा ये सफर तय किया गया है। विकास महुरे सहायक वन संरक्षक प्रशिक्षु अफसर को बालाघाट में ट्रेनिंग करनी है, इसी के चलते वे एक दिन पहले अपने घर छिंदवाड़ा से साइकिल से सफर करते हुए दूसरे दिन सिवनी होते हुए बालाघाट पहुंचे। 3 जिलों की दूरी को साइकिलिंग से पूरा करते हुए वे यहां पहुंचे। साइकिल से एक अफसर का यह सफर सभी के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। बालाघाट में आने की खबर पर वन विभाग के कुछ कर्मचारियों ने उनके आगमन पर अभिनंदन किया और उनके सफर के लिए उनको शुभकामनाएं दी। वहीं साइकिल से यात्रा करने पर उन्होंने कहा है कि वो पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ शरीर का संदेश देने के उद्देश्य से ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जिसमें वाहनों की आवश्यकता पड़ती है और कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिसे हम साइकिल से पूरा कर सकते हैं। मेरा यही संदेश है कि पर्यावरण संरक्षण में हम सभी सहयोगी बने। लंबे सफर को लेकर जब भी ऐसा कोई अवसर मिले तो हम साइकिलिंग जरूर करें। आपको बता दें कि सहायक वन संरक्षक प्रशिक्षु अधिकारी बालाघाट के विकास महुरे सोमवार को प्रभार संभालेंगे और इस प्रभार संभालने के लिए ही वे साइकिल से बालाघाट पहुंचे हैं। ग्रैंड भारत टीवी के लिए बालाघाट से निकेश चंदेले की रिपोर्ट। देखिए, अपने होम टाउन छिंदवाड़ा से मैं साउथ डिवीज़न बालाघाट ज्वाइनिंग के लिए आया हूँ और ये साइकिल लिंक करते हुए आने का एक ही मेरा मकसद है कि मैं जनता तक दो मैसेज कन्वे करूँ। पहला ये कि हमें पर्यावरण कंजर्व और प्रोटेक्शन देना है, हमें अपने जो वन्य जीव हैं, अपना जो इन्वायरमेंट है, उसको प्रोटेक्ट करना है। दूसरा, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें हेल्थ अवेयरनेस बढ़ानी है। इस कोरोना काल ने हमें ये बता दिया है कि हम हेल्दी अभी उतने नहीं हैं, उतने फिट नहीं हैं कि हम ये सब बीमारियों का सामना कर सकें, और आने वाले समय में परिस्थितियां और ख़राब हो सकती हैं, जिसके लिए तैयारी हमें बिल्कुल करने की ज़रूरत है। तो साइकिलिंग करके यहाँ पे आने का उद्देश्य मेरा यही है, ताकि मैं लोगों को ये समझा सकूँ कि हमें फिट रहने की आवश्यकता है। सर, यहाँ पर किस पोस्ट पर आप प्रभार लेने वाले हैं? मैं सहायक वन संरक्षक प्रशिक्षु हूँ, अभी अंडर ट्रेनिंग ही हूँ और अभी मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी। देखिए, ऐसा नहीं हम कह सकते कि अधिकारी सुविधाएं लेना चाहते हैं, दरअसल उनके पास वर्कलोड ज़्यादा है, वो गाड़ियों में ट्रेवल करते हैं। हाँ, ये मैं जानता हूँ कि तेज़ दौड़ती सड़कों पे जो आम जनता की जो परेशानी है वो कहीं ना कहीं छूट जाती है। मेरे पास समय था तो मैंने साइकिलिंग की और मैंने इस समस्या को थोड़ी और नज़दीकी से जानने की कोशिश की। एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव की बात करूँ तो मुझे आते आते बहुत रोड किल मिले। मैंने देखा कि बहुत सारे पक्षी मरे पड़े हैं, जानवर मरे पड़े हैं, सांप, बहुत सारी वैरायटी के मरे पड़े हैं, तो ये ओवर स्पीडिंग का ही नतीजा है। लेकिन सुरक्षित हमें भी रहना है और अपने जीव जंतु और अपने पर्यावरण को भी करना है। ओवर स्पीडिंग से ना ही मनुष्य का फायदा है और आम जीव जंतु को तो बिल्कुल है, वो उनकी रोड किल्स काफ़ी हुई और हमें इसकी तरफ थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। ओवर स्पीडिंग ना करें। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हमें तो पेट्रोलिंग करना है, हमें कहा जाता है कि आप जंगल में जितना चलेंगे उतनी नज़दीकी से आप चीज़ों को जान पाएंगे। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।